जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार 2-0 की करारी हार के बाद भड़के विराट कोहली बोली इतनी बड़ी बात, सुनकर हर कोई रह गया हैरान। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार विराट कोहली ने क्या बड़ा बयान दिया है उसी के बारे में। और वहीं यहाँ पर क्रिकेट जगत से जुड़ी काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही है, जो कि हम आपको इस एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कोहली द्वारा बताई गई सीरीज की हार पर भड़के आकाश चोपड़ा, कहा ये सच। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली को लेकर क्या बोल डाला है ये। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन दिखा अद्भुत नजारा, देखकर हर कोई रह गया हैरान। तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या था ये अद्भुत नजारा। तो आप सभी बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम में एक बार फिर से रोहित शर्मा की वापसी करवाई जाए, तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए न्यूजीलैंड दौरे का अंत हार के साथ हुआ है। तो वहीं भारत ने सीरीज का दूसरा मैच 7 विकेट से अपने हाथों से गंवा दिया है। और वहीं हम आपको बताएं कि T20 सीरीज में 5-0 की जीत और वनडे सीरीज में 3-0 की हार के बाद अब भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 की हार भी झेलनी पड़ी है, जिसके चलते भारतीय टीम का प्रदर्शन हम सभी को दिख चुका है कि विदेश में भारतीय टीम किस हिसाब से खेलती है। तो वहीं पहले हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ने से पहले विराट कोहली और बाकी सबके पहले हम नजर डालते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में भारतीय टीम ने 242 रन बनाए थे और 242 रन में सबसे ज्यादा जो रनों का योगदान दिया था वो हनुमा बिहारी ने दिया था और उन्होंने 55 रन यहां पर बनाए थे। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम फिर जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 235 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी और यहां पर लैथम ने 52 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। तो वहीं दूसरी इनिंग में भारत की पूरी टीम 124 रन बनाकर आउट हो गई और इस दौरान चितेश्वर पुजारा ने सबसे ज्यादा रनों का योगदान दिया, उन्होंने 24 रन बनाए 28 गेंदों में और यहां पर ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट रहते ही जीत लिया और टॉम बिलेंडन ने न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से 55 रनों की शानदार पारी खेली। तो ऐसे में यही था पूरे दूसरे टेस्ट मुकाबले का हाल। तो वहीं काइल जेमिसन को मैच में उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला और टीम साउथी को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब से नवाजा गया। तो वहीं इस मैच में हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली काफी निराश नजर आए। तो वहीं विराट कोहली ने अपने बयान में कहा कि मुझे लगता है कि पहले टेस्ट में हमारी तरफ से कोशिश पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में अपने बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे गेंदबाजों ने आक्रमण करने के लिए बल्लेबाजों को उनका पर्याप्त स्कोर नहीं दिया था और यह एक ऐसी टीम के रूप में निराशजनक बात है जब बल्लेबाज और गेंदबाज के प्रयास का समर्थन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वहीं आगे बात करते हुए विराट कोहली ने बोला कि हमें समझने की जरूरत है कि क्या गलत हुआ और आगे हमें अब बढ़ना होगा। हम ऐसी टीम नहीं है जो कि टॉस के परिणाम के बारे में सोचते हैं। हम इस दौरे से काफी कुछ सीखे हैं और हम इस दौरे से सिर्फ सीखने के बहाने नहीं बनाने जा रहे हैं। वहीं एक दिवसीय मैचों में युवा खिलाड़ियों को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि हमारे पास रोहित जैसे खिलाड़ी उपलब्ध नहीं थे और मेरे रन नहीं बन रहे थे और ऐसे ही वनडे सीरीज में रोहित की अनुपस्थिति में और मेरे रन नहीं बनने के बावजूद भी हमारी टीम के खिलाड़ियों ने काफी अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ी आगे भी ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि विराट कोहली ने यहाँ पर अपने आप को भी दोषी माना क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने सभी खिलाड़ियों की यहाँ पर तारीफ करी कि बाकी सभी खिलाड़ी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपका क्या ख्याल है विराट कोहली के इस बयान के बारे में? आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा दोषी कौन है? आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कोहली द्वारा बताई गई सीरीज की हार की वजह पर भड़के आकाश चोपड़ा, कहा ये सच। जी हाँ दोस्तों, हार के बाद जब विराट कोहली का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने काफी कुछ बड़े बड़े बयान दिए। तो इसी के ऊपर आकाश चोपड़ा ने कहा कि ये सच नहीं है विराट कोहली जी, यदि आपका टॉप 5 रन ही नहीं बनाता है तो आप निचले क्रम से ये क्या उम्मीद रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि टॉप 5 की तरफ देखना चाहिए, ना कि निचले क्रम की तरफ, विकेट कीपर की तरफ या फिर अश्विन की तरफ। आपको रन बनाने चाहिए थे, आपके खिलाड़ी चाहे जैसा भी खेले, आपने रन नहीं बनाए, भारत की हार की यही वजह है। तो वहीं आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली पर आगे बात करते हुए बोला कि भारतीय टीम इस श्रृंखला में खाली बस पार्टिसिपेट कर रही थी और कंपटीशन बिल्कुल नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को एक तरफा हार गई और भारतीय टीम की फिर से गलतियां सामने नजर आई जब भारतीय टीम विदेश खेलते हुए नजर आई। तो इसमें दोस्तों, यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने काफी सच्ची सच्ची बातें बोली है, लेकिन आपका क्या विचार है आकाश चोपड़ा के बयान के बारे में? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर थी वो ये थी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में दिखा एक अद्भुत नजारा, देख
देखकर हर कोई रह गया हैरान। जी हाँ दोस्तों, तीसरे दिन जब न्यूजीलैंड की टीम 132 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो उस समय 35वें ओवर में कप्तान विराट कोहली खुद गेंदबाजी करवाने के लिए आ गए। हालांकि उन्होंने मात्र एक ओवर की ही गेंदबाजी करवाई और उस ओवर में 4 रन दिए। और आमतौर पर ऐसा कम नजारा देखने के लिए मिलता है जब विराट कोहली गेंदबाजी करवाने के लिए आते हैं। तो आपने क्या गेंदबाजी देखी थी विराट कोहली की या फिर नहीं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों जिसके आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के हेगले ओवल क्राइस्टचर्च स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम हार चुकी है। जी हाँ, पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद हम सभी को लग रहा था कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम वापसी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और भारतीय टीम का जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार टेस्ट सीरीज जीतते चले जाने का रिकॉर्ड था वो आज टूट गया और इसी के साथ भारतीय टीम को आज हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतते हुए गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वही बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम की तरफ से 242 रन पहली पारी में बनाए गए थे, जहां पर हनुमा बिहारी, पृथ्वी शॉ और चेतेश्वर पुजारा ने अपना अपना अर्धशतक लगाया था और इसी के साथ भारतीय टीम के 10 विकेट पूरे हो गए थे और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। और वहीं बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम तो उन्होंने 235 रन बनाए थे और वो भारतीय टीम से 7 रन पीछे थी। तो वहीं दूसरी पारी की शुरुआत होती है और दूसरी पारी में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से पूरे भारतीय दर्शकों को निराश किया। जी हां, भारतीय टीम के बल्लेबाजों की एक ना चली न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के आगे और इस दौरान पृथ्वी शॉ ने 14 रन बनाए और मयंक अग्रवाल ने 3 रन। तो वहीं समय लेकर खेलेंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं देखने के लिए मिला। विराट कोहली 30 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और पूरी टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के इस शर्मनाक प्रदर्शन की कामना हो रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कितना अच्छा अपना नाम कमाया है और कितने अच्छे वो बल्लेबाज हैं। लेकिन यहां पर उनकी बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही और विराट कोहली ही क्यों फ्लॉप रहे, पूरी भारतीय टीम फ्लॉप रही। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि उमेश यादव ने मात्र 1 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे ने 9 रन बनाए, हनुमा बिहारी भी 9 रन बनाकर आउट हुए और ऋषभ पंत से उम्मीद थी तीसरे दिन कि आज ऋषभ पंत कुछ तो जलवा दिखाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने भी मात्र 4 रन बनाए हुए। तो वहीं बात करें रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन रविंद्र जडेजा थोड़ा भारतीय टीम के स्कोर को ऊपर तक लेकर जाएंगे और उन्होंने 22 गेंदों में 16 रन बनाए थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज आउट होते चले जा रहे थे जिसके कारण भारतीय टीम के 10 विकेट हो गए और यहाँ पर रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे। अगर यहाँ पर रविंद्र जडेजा के साथ अगर कोई एक खिलाड़ी खेल रहा होता तो जरूर रविंद्र जडेजा वहां पर कमाल करके दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और रविंद्र जडेजा ने अपनी इस पारी के दौरान एक छक्का और एक चौका लगाया और भारतीय टीम ने तीसरे दिन 124 रन बनाए अपने पूरे 10 विकेट खोकर और फिर न्यूजीलैंड की टीम को 132 रनों का टारगेट मिला, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम ने इस लक्ष्य को हासिल किया। और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से बल्लेबाज टॉम लेथम 52 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं टॉम ब्लेंडन ने 55 रन बनाए, केन विलियमसन 5 रन बनाकर आउट हुए और जिसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 3 विकेट गंवाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इतने छक्के मारे तो दोस्तों इस मैच में उन्होंने 7 चौके और 14 छक्के लगाए, जो कि एक काबिलियत तारीफ है। और वहीं बीपीसीएल की टीम ने इस पूरे मैच में अपने 4 विकेट खोकर 259 रन बनाए। और वहीं बॉलरों की बात करें तो बॉलरों के आप यहां पे आंकड़े देख सकते हैं कि किसने कितने कितने रन दिए। सबसे ज्यादा जो महंगे साबित हुए वो थे विनीत सिन्हा और फिर दूसरे नंबर पर शशांक सिंह और आज के इस मुकाबले से पहले भारत की टीम 3 ऑलरेडी मुकाबले जीत चुकी थी और पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर चल रही थी। तो वहीं 29 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच में एक और मैच खेला गया और इस मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं श्रीलंका की टीम ने शुरुआत में तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन श्रीलंका की टीम धीरे धीरे अपने विकेट गिराती चली गई और श्रीलंका की टीम एक ऐसे पायदान पर आ गई जब 20 ओवर में श्रीलंका की टीम के 9 की शानदार पारी खेली और वहीं दिलहारी ने 25 रनों की शानदार पारी खेली और वहीं श्रीवर्धवी ने यहां पर 12 रन बनाए और बाकी आप यहां पे देख भी सकते हैं उनका स्कोर कार्ड। तो वहीं बात करें भारतीय टीम की गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम की गेंदबाजी में सबसे ज्यादा जो सफल गेंदबाज रही वो रही राधा, जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और सभी महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने ही हासिल किए इस मुकाबले में। और वहीं राजेश्वरी ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, दीप्ति ने 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, तो वहीं पूनम ने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और इसी के साथ पहली इनिंग खत्म हुई। तो अब बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से आज के अगली एक और ऐसी जानकारी में। और वहीं हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।